टिकटॉक बैन होने के बाद बेरोजगार हुए लोगों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने फैसला किया कि वो टिड्डी दल को भगाने के लिए टिकटॉकियों को खेतों में कौओं को डराने वाली पुतले की जगह खड़ा करेगी। अधिक बातचीत के लिए सीधे चलते हैं बागपत के ब्रैड पिट रिंकू जिया के पास। रिंकू बेटा, क्या है ये पूरा रहता, थोड़ी बूंदी डालिए। रिंकू, सरकार कई दिनों से परेशान थी कि खेतों पर हमला करने वाली टिड्डी दल को कैसे डराया जाए। तभी किसी ने बताया कि चाइनीज ऐप्स बंद होने के बाद टिकटॉक ही अपने दिमाग की तरह खाली पड़े हैं, तो क्यों ना उन्हें कौओं को डराने वाली पुतले की जगह खड़ा किया जाए। शुरू में सरकार ऐसा करने से बच रही थी क्योंकि वो सिर्फ टिड्डियों को भगाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि टिकटॉकियों को वहां खड़ा देखकर मासूम टिड्डियों की जान ही चली जाए। रिंकू, लेकिन सुनने में आ रहा है कि रंगीन बालों वाले टिकटॉकियों को उस टिड्डी बगाओ बैंड में शामिल नहीं किया। क्या सरकार उन्हें इस लायक नहीं समझती? नहीं टिंकू, ऐसा नहीं है। खबर है कि रंगीन बालों वाले सारे टिकटॉकियों को चीन के साथ लगने वाली LAC पर तैनात किया जाएगा, ताकि अगली बार चीनी सेना हमारे सामने आए तो अचानक उनकी शक्लें देखकर घबराहट में वो कीलों वाली रॉड खुद अपने सर में मार लें। सरकार रंगीन टिकटॉकियों को सीक्रेट वेपन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है, इसीलिए उन्हें एंटी टिड्डी टास्क फोर्स में शामिल नहीं किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के बाद भारत सरकार से टिकटॉक पर नाचने वाले लड़कों की मांग की है। दरअसल ट्रंप पिछले काफी समय से इस बात से परेशान हैं कि बार बार मना करने के बावजूद अमेरिकी घरों पर नहीं टिक रहे। ट्रंप का प्लान है कि लहंगा चोली पहनकर नाचने वाले इन लड़कों को अमेरिका के हर चौराहे पर नचवाया जाएगा, ताकि इनके खौफ से अमेरिकी घरों से निकलना ही बंद कर दें। वहीं अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अगले महीने एलियंस का पता लगाने के लिए 6 भारतीय टिकटॉकियों को अंतरिक्ष भेजने वाली है। नासा का मानना है कि जैसे ये भारतीय टिकटॉकी अंतरिक्ष में पहुंचेंगे, एलियंस जहां कहीं भी होंगे घबराकर सामने आ जाएंगे और हम उन्हें पकड़ लेंगे। इस बीच खबर है कि IIT दिल्ली के छात्रों ने कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है। अपने एक्सपेरिमेंट में इन छात्रों ने कोरोना के गंभीर मरीजों को 3 दिन तक टिकटॉक के कुछ वायरल वीडियोस दिखाए, जिससे इनकी सेहत में सुधार होने लगा। डॉक्टरी जांच में पता चला कि इन वीडियोस को देखने के बाद इनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं हुई, बल्कि इन वीडियोस की आवाजें सुनने के बाद इन मरीजों के अंदर बैठे कोरोना वायरस की तबीयत खराब होने लगी। जांच में पाया गया कि अगर किसी कोरोना मरीज को 3 दिन तक लगातार 2 घंटे टिकटॉक वीडियो दिखाए जाए, तो अंदर बैठा कोरोना वायरस खुद किसी नस से लटक कर आत्महत्या कर लेता है। नतीजे सामने आने के बाद सरकार ने हर रोज दूरदर्शन पर 1-1 घंटा टिकटॉक वीडियोस दिखाने का फैसला किया है। इसके अलावा कोरोना के हॉटस्पॉट वाले इलाकों में नचनिया टिकटॉकी सुबह शाम 1-1 घंटा आकर डांस भी करेंगे। इसके बाद भी अगर कोई कोरोना मरीज ठीक नहीं होता तो रंगीन बालों वाले टिकटॉकी अपने बालों में से उनको झाड़ा देंगे।